बड़ी खबर का रुख करेंगे। ईरान ने अमेरिकी दूतावास पर रॉकेट से हमला किया है, तो मस्जिद पर लाल झंडा फहराकर ईरान ने जंग का ऐलान कर दिया है। तो हमले के बाद ईरान यूएस में और बढ़ा तनाव, तो अब तनातनी ईरान और अमेरिका के बीच देखने को मिल रही है। अमेरिकी एयर स्ट्राइक में ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत हुई थी, जिसके बाद वायुसेना की तरफ से साफ तौर पर बदला लेने की चेतावनी दी गई थी और उसी के तहत यूएस ठिकानों पर अटैक के बाद, तो बता दें कि कई जो लोग हैं उनको निशाना, हमले के बाद ईरान यूएस में तनाव जो है वो सीधे तौर पर बढ़ता हुआ। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि यूएस आर्मी ने ईरान के 52 ठिकानों की पहचान कर ली है। तो मस्जिद पर लाल झंडा फहराकर ईरान ने जंग का ऐलान कर दिया है और इस ऐलान के बाद ही ईरान और यूएस में तनाव बढ़ता हुआ। तो ईरानी कमांडर के कासिम सुलेमानी की मौत से बौखलाया हुआ था ईरान और इसी के चलते अब ये तनातनी बढ़ती हुई।